और मैं पूरे मंडल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। रईस भाई बहुत अच्छे, साथ ही साथ हम जो विकासक भी हैं और हम लोग चाहते हैं कि मतलब रईस भाई जैसे आदमी आगे आवे और इस क्षेत्र का विकास करें। तो आगामी विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है, तो क्या कुछ मांग करना चाहेंगे कि इन्हें कांग्रेस से यहाँ पर चुनाव लड़ना चाहिए? आगामी विधानसभा में काफ़ी लोग इच्छुक है और रईस भाई जैसे युवा को आगे लाना चाहिए, ऐसी मेरी सोच। थैंक यू। एक मानसिक है, उत्तर पश्चिम जिले में रहवासी हूँ। 8-10 जुलाई जो रईस नस्करिया जी का बर्थडे है, हम सब लोग की शुभकामनाएं क्या हम रईस भाई को देने के लिए आए, क्या रईस भाई को सालगिरह मुबारक हो। रईस भाई के लिए हम क्या कहें, बहुत कुछ कहने के लिए बहुत कुछ है। रईस नस्करिया साहब पिछले 15-20 सालों से जो समाज सेवा का काम कर रहे हैं, जिन्होंने एहसान से जुड़े हुए कई प्रोजेक्ट पूरे किए, जो गरीबों को उन्होंने घर बना के पक्के मकान दिए, इसके लिए हम हमेशा गुजारे। उन्होंने अमन जूनियर कॉलेज जो अंधेरी के अंदर गाँव देवी डोंगर के अंदर बना, जिससे कई बच्चे गरीब बच्चे तो तालीम हासिल करते हैं और ऐसे अन्य काम उन्होंने करके दिए, जिसके हम शुभकामनाएं देते हैं कि आगे भी फ्यूचर के अंदर रईस नस्करिया जी को पार्टी की तरफ से कोई उम्मीदवारी दिए और अच्छे से अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा कर सके, ऐसी हमारी शुभकामनाएं उनके साथ में जुड़ी हुई और आगे भी चाहता हूँ कुछ तरक्की। सर आप क्या शुभकामनाएं देना चाहोगे? बहुत कुछ काफ़ी वर्षों का मैं आगे ऐसे हमसे करते रहे, लोगों के साथ है, सबके साथ देंगे और कुछ आगे विधानसभा के चुनाव भी आ रहे हैं, उसमें क्या उम्मीद रखते हो आपकी? कौन हम उम्मीद हमें उम्मीद करते हैं कि रईस भाई जीते, हमके लिए काम करेंगे, कोशिश करेंगे जिताने के लिए, जितने सब जीत सके, पब्लिक का काम हो, गरीब का काम हो, सब का काम करके। मैं हम लोग इधर पे मुबारकबाद देने आए हैं उनकी सालगिरह के लिए रईस भाई की, और जो हिसाब से लोगों की खिदमत कर रहे, अल्लाह उनसे और भी आगे भी खिदमत करावे, एक्टिव रहे हमेशा, लोगों के लिए कोई भी काम के लिए खड़े रहे, ये हमारी शुभकामना है। आगामी विधानसभा चुनाव भी आ रहा है, तो क्या प्रक्रिया होगी आपकी, किस नज़रिए से विधानसभा चुनाव को देखते हैं? विधानसभा चुनाव में तो हर आदमी को लड़ने का हक है डेमोक्रेसी में, तो रईस भाई भी है इच्छुक, तो हमारी शुभकामना है कि वो भी आवे और अपनी किस्मत आजमावे और अपना बेस्ट दे लोगों के बीच में आते। आप लोग भी कुछ बोलना चाहोगे? आज बहुत ही शुभ दिन है, आज रईस नस्करिया जी का जन्मदिन है। मैं महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हूँ मनोरमा सिंह, और महिला कांग्रेस की तरफ से हम सभी बहनों की तरफ से हम लोग उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं जन्मदिन के उपलक्ष्य में। मनोरमा जी, चुनाव भी नज़दीक आ रहा है, तो क्या प्रक्रिया होगी आपको चुनाव को लेकर? जी चुनाव में हम लोग पूरी जिंदा लगा देंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे जो वर्सोवा विधानसभा की सीट है वो हम जीत के लाएं। आप भी कुछ बोलना चाहते हैं? तो मुंबई सहित वर्सोवा में बैनर पोस्टर आपके जन्मदिन के तमाम जगह लगे हुए हैं और तमाम लोगों ने आपको शुभकामना भी दी है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज मैं पूरे हाफ सेंचुरी कर रहा हूँ मैं मेरी जिंदगी के, और जहाँ तक पोस्टर बैनर की बात है, जो कार्यकर्ताओं को मुझसे प्यार है वो आज खुल के बाहर निकले हैं पोस्टर बैनर के जरिए, और मैं जितने भी मुझसे आज मिलने के लिए लोग आए उन सभी लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। सबसे पहले तो हमारे प्यारे संजय निरुपम जी जो आए मुझे शुभेच्छा देने के लिए, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि उनके बिना इस पॉलिटिकल कांग्रेस के पॉलिटिकल करियर में मेरा योगदान बहुत, उनकी वजह से मेरा योगदान उनके सर पे मेरे हाथ रखने से, उनके आशीर्वाद से मुझे इस कांग्रेस पार्टी के अंदर एक मजबूती मिल रही है और एक कॉन्फिडेंस आ रहा है काम करने का, क्योंकि ऐसे जुझारू नेता है हमारे संजय निरुपम जी, जिनके साथ चलना, उनसे कंधे से कंधा मिला के काम करना बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे नेता जब आते हैं शुभेच्छा देने के लिए तो छाती 56 इंच की हो ही जाती है।
बहुत सारे आपके चाहने वालों ने भी मीडिया के सामने अपनी शुभकामनाएं देते हुए मांग भी किया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में रहीश लश्करिया जी को विधानसभा का प्रत्याशी बनाया जाए ताकि क्षेत्र का विकास अच्छे ढंग से हो पाए। तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ तैयारियां आपकी तरफ से चल रही है? मैं उन सारे लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि जिन लोगों ने मुझ पर विश्वास जता रहे हैं। और मैं दो बार विधानसभा के चुनाव लड़ चुका हूं, मैं 2009 में 2014 के अंदर भी। तो लोग चाहते हैं, लोगों में उत्साह है, तो देखते हैं आगे कांग्रेस पार्टी जिस भी किसी कैंडिडेट को टिकट देगी हम उनके साथ जुड़ के काम करने के लिए तैयार। आपकी जो इच्छा है वो वर्सोवा विधानसभा को लेकर के ही है, कहीं ऐसे चुनाव लड़ना चाहते हैं? ऐसा तो कोई अभी तय नहीं है कि मैं कहां से लड़ूंगा, लेकिन फिलहाल मैं वर्सोवा विधानसभा में अपना ध्यान दिए हूं। और संजय जी का जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसके अंदर भी मैंने वर्सोवा विधानसभा ही मैंने संभाली थी। तो रईस जी, जन्मदिन है और ये बहुत ही मतलब खुशी का दिन है जिसको कहते हैं, और तमाम लोगों ने यहाँ पे खुशियाँ मनाई। इस पर अगर जन्मदिन पर कोई रिजोल्यूशन लेना हो तो क्या कुछ लिया है आपने, क्या सोचा है कि भाई अभी एक साल गया हमने ये किया, आने वाले अगले सालों में ये करना चाहेंगे, कोई रेजोल्यूशन? इस जन्मदिन के ऊपर मैंने एक ही रेजोल्यूशन लिया है कि जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको जोड़ना, उनका मनोबल बढ़ाना और कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती देना, यही आज इस जन्मदिन पे मैंने एक रेजोल्यूशन लिया है। रही जी, ये कर्नाटक का जो मामला चल रहा है उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या आपने प्रतिक्रिया देना चाहें तो? मेरी ऐसी कोई खास प्रतिक्रिया नहीं होगी क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं जो यहाँ पे मुंबई में जिनको लाके रखा गया है, ये मतलब इस विषय में मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा। चलिए, विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। इस विषय में आपके जन्मदिन पर बारिश भी बहुत हो रही है और ऐसे सोशल वर्क के लिए आपको जाना भी जाता है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस प्रकार का वाटर गटर मीटर का काम हुआ है आपके इस इलाके में, क्या कुछ रोशनी डालना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आज अगर वर्सोवा देखा जाए तो ये एक हाई क्लास एरिया माना जाता है, लोखंड वाला एरिया जो कि पूरे विश्व में फेमस है, मुंबई का लोखंड वाला इलाका। लेकिन फिर भी अगर हम वर्सोवा विधानसभा की बात करते हैं तो आज भी जो हमारी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं उसके अंदर गटर नाली का वही समस्या चालू है। इन सारी चीज़ों से कंप्लेन करने से बेहतर मैं समझता हूँ कि हम ही को उठ के इसमें काम करना चाहिए। आज यहाँ पे क्योंकि वर्सोवा एक समुद्र का क्षेत्र आता है और इस वजह से यहाँ पे मच्छर ये बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आज ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जो हॉस्पिटल में पेशेंट्स आ रहे हैं वो मलेरिया के डेंगू के आ रहे हैं जी। तो इस वजह से कांग्रेस पार्टी के हम जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पे हैं, मैंने खुद अपनी दो धुएं की मशीन खरीदी है, हम गली गली घर घर जाके बिल्डिंग बिल्डिंग जाके हम कुछ धुआं कर रहे हैं ताकि ये मच्छर ज्यादा अपना मलेरिया का रोग ना फैलाए। तो ये सब आप फ्री में कर रहे हैं, इसका कोई चार्जेस भी आपकी तरफ से नहीं? ये तो एक समाज सेवा के तौर पर ही हम कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, संजय निरुपम जी के नेतृत्व में ये सब हम काम कर रहे हैं। किया था तो क्या कुछ रोशनी डालना चाहेंगे? जी, राहुल जी के जन्मदिन पे अभी मैंने एक मेडिकल कैंप लिया था और उसी की सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हर वार्ड के अंदर हम बड़े बड़े मेडिकल कैंप आयोजन कर रहे हैं। इस जुलाई और अगस्त के महीने के अंदर लगभग 6 से 7 और मेडिकल कैंप हम करने जा रहे हैं। तो पिछली बार कैंप में लगभग कितने लोगों ने इलाज कराया, कितने लोगों को मुफ्त में दवाइयां दी गई, थोड़ा सा उसकी जानकारी चाहूंगा। देखिए, मेडिकल कैंप तो आज से नहीं, मैं पिछले 8-10 साल से रेगुलरली करा रहा हूं। तो मेडिकल कैंप में अब आज का मौसम देखेंगे तो ज्यादा छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं, महिलाएं बीमार हो रही है, उसका मुख्य कारण है कि डेंगू मलेरिया बुखार ये सब ज्यादा चल रहा है। तो ये सारी इस मेडिकल कैंप में ज्यादा हम इन्हीं चीजों को हैंडल कर रहे हैं। तो ये वर्सोवा विधानसभा में ही मेडिकल कैंप होगा या वर्सोवा विधानसभा के अलावा भी पूरे मुंबई में? नहीं, ये तो वर्सोवा के अंदर ज्यादा हमने अभी अपना फोकस किया हुआ है। तो वर्सोवा के हर एक वार्ड के अंदर हम इस कैंप्स को आयोजित कर रहे हैं। तो अभी किन किन डेट में आपके मेडिकल कैंप्स होने वाले हैं आने वाले समय में? हम ऑलमोस्ट एवरी संडे को हम एक एक एरिया में जाके ये कैंप करते हैं।
क्या कहेंगे दर्शकों से जो आपको देख रहे हैं, आपके मेडिकल कैंप का कैसे वो लाभ उठा पाएंगे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये तो सोशल मीडिया के अंदर हम जहाँ जहाँ पे हमारा मेडिकल कैंप होता है उसके हम होर्डिंग बैनर और सब चीज लगा देते हैं। तो मैं चाहूंगा कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लोग आए वर्सोवा के और इस कैंप का फायदा उठाए आप लोग। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए हमारे ट्रेड एंड कॉमर्स सेल मुंबई के अध्यक्ष रईस लश्करिया जी का जन्मदिन है। हम चाहते हैं कि आने वाले साल में कांग्रेस पार्टी उनको आमदार का चुनाव लड़ने का मौका दे। हम चाहते हैं कि ऐसे लोग जो यंग है, जो एनर्जेटिक है, ऐसे लोग आगे आए और कांग्रेस पार्टी जो इस स्थिति में है उस स्थिति को मजबूत करने के लिए ऐसे लोगों को बढ़ावा देना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके साथ में जुड़े रहें। इस नए वर्ष में जो उनका जन्मदिन भी है उसमें हमारी सारी सारी शुभेच्छा है, शुभकामनाएं, हम उनके साथ लगे हैं और ऐसे कई यंगस्टर्स जो आज कांग्रेस के साथ में जुड़ना चाहते हैं उसका चेहरा रईस लश्करिया जी है, उनको बढ़ावा देना चाहिए, यही मेरी बात है। एक नंबर सर। थैंक यू सर। रईस भाई का नाम ही उनकी पहचान है, रईस लश्करिया। रईस भाई ने कांग्रेस में जो आके जो कांग्रेस को जो जरूरत थी एक एक्टिव लोगों की, एक्टिव नेता की, जो हर स्तर के यूथ से मिले, बेसिक से मिले, वुमेन सेल से मिले और बेसिक के जितने भी पुराने लोग हैं, सब कार्यकर्ता जितने भी चले गए थे, रईस भाई के आने से इस पार्टी में जान आ चुकी है। वर्सोवा फुल तरीके से एक्टिव है। रईस भाई का काम भी बोलता है, बिल्डर लॉबी में रईस भाई का काम बोलता है, क्रिकेट एसोसिएशन में रईस भाई का काम चलता है, ट्रेड यूनियन के जो प्रेसिडेंट है उनके सब चीज़ों को देख के एक डैशिंग लीडर के तौर पर हमको रईस भाई मिले। आज उनका जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर मैं हमारी यूथ की टीम के तरफ से और हमारे बेसिक यूथ के तरफ से जितने भी लोगों की तरफ से उनको हार्दिक शुभकामनाएं पेश करना चाहता हूं और उनको ढेर सारा धन्यवाद हमारे यूथ कांग्रेस की तरफ से। रईस भाई, धन्यवाद।